हो या राम कथा हो कृष्ण कथा हो, उस कथा में जब सारे लोग बैठे रहे और कथा विसर्जन हो और आखिरी में एक बूढ़ा आदमी जाएगा, कथा पूरी विसर्जन होने के बाद में उस बूढ़े आदमी के पांव पकड़ लेना, वहां से रास्ता मिल जाएगा रघुनाथ के पास जाना, वहां से एक रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, तो गोस्वामी जी महाराज एक कथा चल रही थी वहां पहुंचे और पहले तो उन्होंने पांव नहीं पकड़ा, पहले देखा, मेरे भाई बहन जांच पड़ताल कर लो पहले, पूरे सब चेक कर लो, उसके बाद ही चरण पकड़ना, पहले चरण मत पकड़ना, नहीं तो पहले चरण पकड़ लेते हो फिर बाद में निंदा करते हो तो ज्यादा गलत होता है। पहले विचार कर लो, गोस्वामी जी ने पहले विचार किया, एकदम से नहीं चरण पकड़ा, एकदम से चरण नहीं पकड़ो, फिर एक बार पकड़ लो ना, फिर उसको छोड़ो मत, चाहे डूबे चाहे तैरा है, ऐसा हो। तो गोस्वामी जी महाराज रोज कथा में जाते और कथा पूर्ण आहुति हो जाए, विसर्जन हो तो सारे लोग चले जाए, उसके बाद में एक बूढ़ा आदमी जाए, उन्होंने पूरे 7 दिन 9 दिन जितने दिन कथा रहे वो देखे कि आदमी रोज आता है लेकिन सबसे पहले नहीं आता, आखिरी में आता है और सबके आखिरी में जाता है। कथा शुरू हो मंगलाचरण तब ये आदमी आता है और पूरी कथा विसर्जन हो जाती है, सब लोग जाते तब ये आदमी जाता। तो आखिरी दिन कथा के दिन सब लोग चले गए और ये बाबा भी जा रहे थे और बाबा जाके बाबा ने पांव पकड़ लिया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, अरे भाई छोड़ मेरे पांव, बोले नहीं छोड़ूंगा, आप वास्तविक रूप में आओ, आपका क्या, अरे भाई तू छोड़ मेरे पीछे क्यों लगा, बोले नहीं छोड़ूंगा, बिना मैंने तो इतने दिन से पकड़ा नहीं लेकिन आप पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा राघव का पता आपके पास है, मेरे भगवान का पता आपके पास में है, सदगुरु के पास, गुरु के पास भगवान का पता रहता है और हनुमान जी गुरु है। जब बहुत ये करने लगे तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते और कहते हैं कि बोल क्या बोलता है, बस आपके चरण इसीलिए पकड़े कि रात दिन जिसका आप स्मरण करते हो, जिसकी याद करते हो और मैं भी करता हूँ, बस आपका काम है मुझे एक दिन दर्शन करा दो, पहुंचा दो मेरे गुरुदेव की मुझ पर नजर एक बार हो जाए, मेरे गुरुदेव की मुझ पर नजर एक बार हो जाए,
एक बार मेरे और मेरे गुरुदेव की नजर को, बड़ा अच्छा भाव है भजन का, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे एक लाइन। धन्यवाद आपको, क्योंकि घड़ी का काटा आगे बढ़ता। हनुमान जी प्रकट हुए और पकड़ लिए कि बस केवल तेरे दीदार। अब तो हनुमान जी को कहा कि बस दिखा दो एड्रेस पता, काम मिल जाएगा। वो मालिक रघुनंदन, और हनुमान जी ने गोस्वामी जी को कहा, आप जानते हो, और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संगन की भीड़, चंदन गिरास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ रोज जो है, गोस्वामी जी महाराज वहां चिंदन भेजते हैं कि मेरे प्रभु आएंगे लगाएंगे, और हनुमान जी ने बता दिया कि देख जिस दिन आएंगे लगा लेंगे, मैं बैठूंगा झाड़ पर और मैं तोता बन के आऊंगा, और मैं मेरे तरफ ध्यान रखना, मैं जब उड़ जाऊं तो समझ जाना कि वही परमात्मा है। गुरु देखो, गुरु कितना वकालत करता है शिष्य, लेकिन शिष्य वैसा होना चाहिए ना, दोनों हाथ से ताली बजती है। हाँ, बात ये है, वकालत बहुत दर, क्योंकि गुरु के बिना परमात्मा का कोई नहीं पहुंचा सकता। और हनुमान जी ने बोल दिया, और तुलसीदास महाराज चंदन घिस रहे और राम लखन आके बैठ गए और खुद अपने हाथों से तिलक लगा रहे हैं, और गोस्वामी जी महाराज का ज्ञान उस तोते पर है, सामने बैठे हुए झाड़ के ऊपर जो तोता बैठा, नीचे चंदन घिस रहे हैं, पता नहीं कि भगवान आके बैठ के अपने हाथ से तिलक लगा रहे हैं। यहाँ पर ये दोहा दो दो दर्शन कराता है, दो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ चंदन घिसे तुलसीदास तिलक करे रघु। तो यहाँ पर दो दर्शन होते, एक तो भगवान अपने हाथ से दर्शन वो तिलक लगा रहे, दूसरी बात यह है कि सदगुरु के इशारे से, क्योंकि दूसरी बात यह है कि तुलसीदास को मालूम नहीं कि भगवान है, वो तो घिसने में मस्त है लेकिन उनका ध्यान तोते तरफ है, तोते तरफ। तो शिष्य कितना भी ऊपर हो जाए लेकिन अपना ध्यान शिष्य का गुरु के तरफ रहना चाहिए कि तेरे तरफ से मिला है, तेरी ओर से मिला, इसलिए उसके तरफ ध्यान। हम भूल जाते, तो दृष्टांत बोलता हूं मैं आपको, कभी बोला था ध्यान में होगा, एक शिष्य था और एक गुरु, ये सामवेद, वो सामवेद के बड़े ज्ञाता, बहुत प्रकांड ये संगीत का उनके गुरु। तो उनके गुरु ने अपने चेले को सब कुछ विद्या सिखा दी